एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, मार्गदर्शक है। इंदौर शहर से आप विधायक भी रहे हैं और इंदौर शहर के भाजपा संगठन को एक अनुशासित संगठन के तौर, वैसे तो भाजपा पूरी ही संगठित पार्टी है लेकिन इंदौर के कार्यकर्ताओं की खासकर दाद दी जाती है जब भी प्रदेश में कहीं बैठक होती है, प्रदेश में कहीं मंच पर हमारे अध्यक्ष खड़े होते हैं। हाल ही के दिनों में कुछ एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे ये संकेत मिलते हैं कि इंदौर का जो भाजपा संगठन है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। मारपीट तक की नौबत आ जाती है दशहरा मैदान के कार्यक्रम में और कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष पर सवाल उठाते हैं। क्या मानते हैं इस पूरे परिदृश्य को लेकर आप? कुछ नहीं, जब विवेक की सीमाएं समाप्त हो जाती है तो हाथ पांव उठाना पड़ता है। जब आदमी की बुद्धि की सीमा रेखा का अंत हो जाता है, वो बौद्धिक विलास से किसी को समझाने में नाकामयाब हो जाता है, तब उसे अपने हाथ पांव का उपयोग करना पड़ता है। यही इस कांड में हुआ है। दोनों कार्यकर्ताओं के साथ जो भी घटना घटी है, एक है उसमें सत्यनारायण राठी और एक है कैलाश, वो भाजपा अध्यक्ष है कैलाश जी नीमा, और एक नीमा जी है। नीमा जी और राठी जी व्यावसायिक लोग, हेमंत नीमा और सत्यनारायण राठी, ये दोनों व्यवसाय जीव, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और उसकी मदद भी करते हैं। अब न जाने कौन सी इन दोनों के बीच में वो थी जो हाथ पांव तक आ गई ये बात। लेकिन जब मेरा कहना ये है कि जहां पर प्रदेश का मुखिया मौजूद हो संगठन का, और उसके सामने अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो मुखिया ने तत्काल उसका इलाज करना चाहिए। ये बात इतनी बढ़तीज नहीं और संगठन का इतना नुकसान नहीं होता। आज लोग संगठन के लिए और अध्यक्ष के लिए नाना प्रकार के विचार करते हैं, तो ये अध्यक्ष क्या करे, इसको तो उठाएंगे तो ये उठ जाएगा, बिठाएंगे तो ये बैठ जाएगा। वो जो प्रदेश में ही उठाने बैठाने की ताकत रखता है, उसी के सामने ये सब कुछ हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उन्होंने तो उस मामले पे बल्कि और ये कहा कि वो विवाद उस लेवल तक का था ही नहीं है, उस विवाद में बोलने की जरूरत ही नहीं। हाँ, वो तो लेवल लगता, अब कौन सा लेवल होता है ये तो वही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। नंदू भैया से ही पूछना पड़ेगा आपको कि वो कौन सा लेबल है जिस पे आप हस्तक्षेप करते हैं, क्या जब माथे पर लहू की रेखाएं खींच जाएं या तब वो लेबल है क्या? लेबल तो आपके अनुशासन का है, संगठनात्मक अनुशासन का है, जो स्वयं अपनी मृगेंद्रता का पाठ पढ़ करके आए हैं उन लोगों ने, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, आप थे, दोनों में विवाद था, दोनों को गाड़ी में बिठाते, अध्यक्ष थे, दोनों को गाड़ी में बिठाते और उनको समझा ही देते और मिला देते, विवाद समाप्त हो जाता, किसी के बोलने की गुंजाइश नहीं रहती। आपको इतना सोच करना कि क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन नंदू भैया का विवेक काम नहीं करा उस समय, उनको भी शर्म आई होगी कि अरे यार मेरे रहते हुए ये हो गया तो ये मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, तो अपनी शर्म छिपा रहा है। अब इस शर्म में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के सवाल आज खड़े हो गए, प्रश्नवाचक खड़ा है, और कोई भी अध्यक्ष का दायित्व, कोई भी कप्तान का दायित्व है कि अपनी टीम को संभाल करके ले चले और उससे जो भी कोई जवाब तलब करना है तो बुला करके करे, एकांत में बैठ करके करे, मारपीट करके कोई अंत होता है? और इस तरीके के संगठनों में जो जनता के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुए उनमें अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी तो छवि सुंदर नहीं बनेगी। वही हुआ